समर्थक जो उनको फूलों और के साथ उनके स्वागत कर रहे हैं। सिन्हा को और गुणवत्ताओं के साथ उनका जम समर्थन लोगों कर रहे हैं। साफ तौर पर देखने के बाद जहानाबाद का और इस बार जो चुनाव है वो किन के पक्षों में जाने के लिए तैयार है कि तेजस्वी यादव ये जंगल राज का उत्तराधिकारी है और ये जंगल राज वाले लोगों को हमको किसी भी कीमत पर बिहार से बाहर करना है। जब तक ये अराजकता रहेगा बिहार का विकास संभव नहीं है। समाज के बीच लड़ाने का तनाव का काम कराएगा, बिहार के नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ करेगा। ऐसे लोग राजद का मतलब है। ये दलाली ठेकेदारी रंगदारी व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी की जमात है और ऐसे मानसिकता से बिहार की मुक्ति का यही समय है, सही समय है। सर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का कहना है एनडीए बुरी तरीके से हार रही है और 5 तारीख को प्रधानमंत्री गायब हो जाएंगे देश से, क्या कहना है? देखिए, ये बरबोले पिता के बरबोले पुत्र है। प्रधानमंत्री गायब हो जाएंगे तो इनके पिता सजा याफ्ता जो भ्रष्टाचारियों के नायक है क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? श्रीमान लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? ये पप्पू और अप्पू दोनों प्रधानमंत्री बनेगा? अरे ये लोग देश के हितैषी नहीं, ये आतंकवादी उग्रवादी अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले की जमात है और ये लोग बिहारी शब्द को कलंकित और अपमानित किया है। इससे मानसिकता को बिहार की जनता पूरी सजा देगी। बिहार अब कलंकित नहीं होगा। हम बिहारी सब पर भारी, ये भाव हर बिहार के नौजवानों के मन के अंदर आ रहा है। सर, इस बार जो जहानाबाद का चुनाव है क्या लग रहा है कि एनडीए से जो चंद्रवंशी जी हैं चुनाव जीत रहे हैं या पूरी तरह से चुनाव 40 के 40 हम जीतने जा रहे हैं? आपको 4 तारीख को आश्चर्य होगा, जो सनातन के संतान है, जो माँ भारती से प्यार करता है, जो विकसित भारत का स्वाभिमानी भारत का समर्थ भारत का देखना चाहता है वो प्रधानमंत्री के गारंटी पर कमल का बटन दबा रहा है, तीर का बटन दबा रहा है। लोगों का कहना है, पब्लिक लोग का कहना है कि सर कोरोना काल में 1640 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें आपने सर मुद्दा उठाया था कि जब तला सीबीआई जांच नहीं होगी तब तला हम सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक ला कूच करेंगे, उस पर क्या है सर? आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम नेता प्रतिपक्ष थे और जो भी मामला आता था उस मामला को जनता के हित में उठाते थे। इनका भी मामला पेपर में आया, हमने उठाया, उठाया ही नहीं सदन में पूरा हंगामा हुआ था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये घोटाला का मामला नहीं, ये विभागीय लापरवाही उपयोगिता प्रमाण पत्र से जुड़ा उस तरह का मामला है। जब माननीय न्यायालय ने निर्णय दे दिया उसके बाद इस मामला पर कोई प्रश्न उठाता है तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के ऊपर सम्मान का विषय नहीं बनता है। इसलिए मैं जानकारी दूं कि मैं तो संविधान का, संवैधानिक संस्था का, माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ और माननीय न्यायालय ने जब इसको घोटाला नहीं माना तो उस पर हमको उनके माननीय न्यायालय के सम्मान में इनको फिर आज वोट मांगने आ रहे हैं। हम लोग भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं है, अब भ्रष्टाचारी अपराधी को संरक्षित करने वाले को संरक्षित और मदद नहीं करते। सर, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी में जाने के बाद लोग पाप गंगा में भूल जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि सर जो आरोप प्रत्यारोप लगा था उस आरोप पर कहीं ना कहीं संकोच विपक्ष खड़ा कर रहा है?
मैं बता दूं कि गंगोत्री पवित्र है, मेरा नेतृत्व पवित्र है। अगर जो कोई अपवित्रता को लेके प्रवेश भी करता है तो उसकी पवित्रता इसलिए बरकरार रह जाती है क्योंकि गंगोत्री अपवित्र नहीं है। यहाँ के सबके साथ सबका विकास, अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध उस विचारधारा को स्वीकारना पड़ता है और उस विचारधारा पर चलना पड़ता है। इसलिए भाजपा आज भी औरों से बेहतर है और भाजपा में एक भी बड़ा घोटाला, एक भी बड़ा भ्रष्टाचारी का विषय अगर जो आपके संज्ञान में है तो बता दें।